बंदा डक लैने घरों चक लैने बिलो अख लाल रखी पाड़े अख लैने सेंटर च दिसदा रुमाल लमकनी पट्टू करदे आ सड़क प्यो दी मन के असी ठोकदे नी बंदा कदे टाइम बन के नी बंदा डक लैने घरों चक लैने बिलो अख लाल रखी पाड़े अख लैने ने फिर शक पैंदे जे को करदा गदारी साडे नाल पुत्र पैर नाले यारी दोवे माड़ी पुशिंग का 23वां दिन एंड आज जो रैंक पुशिंग करने में मजा आया ना काफी दिनों बाद आया। अब इसकी एक वजह है, आपने देखा होगा एक इवेंट आया है, अगर आप डेली दो बार उतरते मर जाते हो तो आपको रेटिंग प्रोडक्शन फ्री में मिलेगा। एक इवेंट आया है तो जो भी कॉन्कर पुश कर रहे हैं उनके लिए तो भाई ये बहुत ही सही चीज है। तो आप में से किसने ये चीज नोट की थी मुझे कमेंट करके बताना। मैंने आज ही नोट की थी क्योंकि पिछले दो दिन से मैं खेला नहीं, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन था, इस वजह से मैं पूरा दिन बिजी था। अब उतरते मुझे साउंड आता है, कोई तो गाड़ी लेके जा रहा है। मैं मारने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता था मैं मार तो पाऊँ मैंने, फिर भी तुक्का। फिर से मुझे साउंड आया, ऊपर से मेरे पास कोई स्कोप नहीं था तो यहाँ पर मारना इम्पॉसिबल सा था। बट एक भी गोली अगर किसी को लग जाती तो वो बंदा कंफर्म मर जाता। काफी बार मैं भी इस तरीके से मरा हूँ। अब यहाँ पर रैंडमली शॉट ट्राई करने के बाद, थोड़ी सी लूट करने के बाद इधर से निकलते हैं। अब जैसे ही मैं गाड़ी लेके निकल ही रहा था तभी मुझे सामने की तरफ एक बंदा भागता हुआ दिखता है और ये एक बोट निकलता है। इस वाले बोट को मारते हैं, फटाफट से रिलोड करके इधर से निकलते हैं। अब लूट तो मेरे पास इतनी अच्छी खासी थी नहीं, फिर भी मैं बंदों की तलाश में निकल जाता हूँ क्योंकि मेरे पास रेटिंग प्रोटेक्शन था, मर भी जाता तो कोई गम नहीं था। अब इधर से मैं निकल रहा था, मुझे साउंड आया था, अभी कोई तो यहाँ पर गोलियां चला रहा था, तभी मुझे गाड़ी का साउंड आता है। मैं उतरता हूँ, मारने की कोशिश करता हूँ एंड मैं इस वाले बंदे की गाड़ी का टायर भी फोड़ देता हूँ। बट यहाँ पर AKM थोड़ा सा धोखा देती है। बट यहाँ पर मैं इस वाले बंदे को कैसे मारता हूँ देखो, टैप टैप करके मैं आराम से इस वाले बंदे को मार देता हूँ। इस वाले बंदे को मारते एक बोट दिखता है, जिस वाले बोट को भी मारते हैं एंड 3 किल अपने यहाँ पर हो जाते हैं। अब बोट को मारने के बाद बोट की पेटी लूटते हैं एंड इधर से निकलते हैं और बंदों की तलाश में। अब जैसे यहाँ पर मैं बोट की पेटी लूट रहा था तो मुझे स्कारल दिखती है, सबसे पहले मैं स्कारल उठा लेता हूँ। स्कारल उठाते ही मुझे साउंड आता है, कोई तो गाड़ी आई है सामने की तरफ। मैं गाड़ी में बैठ के सीधा पुश करने की सोचता हूँ तभी मुझे बंदा कूदता हुआ दिखता है। मैं समझ जाता हूँ ये अपना सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइबर से थोड़ी देर बातचीत करते हैं एंड फिर इधर से निकल हैं। काफी देर तक मैं सब्सक्राइबर से बातचीत करता रहता हूं एंड यहां पर मैं ओपन में था तो मैंने सब्सक्राइबर को बोला यहां पर देखो थोड़ा सा रिस्क है, इस वजह से यहां से कवर में चलते हैं। अब जैसे ही मैं कवर में निकल रहा था तभी मुझे बंदा भागता हुआ दिखा था एक, जो कि लेट गया था, जिस बंदे के ऊपर मैं गाड़ी चढ़ा देता हूं एंड इस वाले बंदे को मार देता हूं। एंड ये रियल प्लेयर था, इसी ने अभी यहां पर AKM से इस बंदे को मारा था जिसकी पेटी दिखी होगी आपको। अब यहां पर इस वाले बंदे को मारने के बाद यहां पर मैं कवर में आ जाता हूं एंड अपने सब्सक्राइबर को बोलता हूं भाई यहां पर आके बातचीत कर ले एंड यहां पर थोड़ी देर बातचीत करते अपने सब्सक्राइबर से। अब यहां पर मैं सब्सक्राइबर के साथ बातचीत कर ही रहा था तभी यहां पर एक गाड़ी आती है, तो यहां पर मैं इस वाले गाड़ी वाले को देखने की कोशिश करता हूं हर एंगल से, अगर मुझे कहीं से दिखे तो मैं इस वाले बंदे को मारने की कोशिश करूंगा। काफी देर देखने के बाद मुझे बंदा दिखता है, बट ये बंदा भी कूद रहा था तो मैं समझ जाता हूं ये भी अपना सब्सक्राइबर है, तो इसे बुला लेते हैं अपने पास। इस वाले सब्सक्राइबर से भी थोड़ी देर बातचीत करते हैं फिर इधर से निकलेंगे बंदों की तलाश में। यहां पर मैं दोनों सब्सक्राइबर से बातचीत कर ही रहा था तभी मुझे साउंड आता है, एक बोट आया था बाहर जिस बोट को मैं मार देता हूं एंड आज का मैच मेरा अच्छा जाने वाला था तो मुझे पता था तबाही मचने वाली है। तो यहां पर थोड़ी देर वेट करते हैं, बातचीत करते हैं अपने सब्सक्राइबर से फिर इधर से निकलते हैं। सब्सक्राइबर से बातचीत करने के बाद मैं निकल जाता हूं बंदों की तलाश में। बंदों की तलाश में मैं घूम ही रहा था तभी मुझे एक UAZ दिखती है जिसका मैं पीछा करने लग जाता हूं। एंड अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर, आपको पता होगा मैं भाई गाड़ी का तेल खत्म होने तक बंदे का पीछा करता हूं एंड मेरी गाड़ी का तेल भी खत्म होने वाला था तभी ये ठुक जाता है बंदा
एंड इजली इस वाले बंदे को मारते हैं जिसका नाम था पैराडॉक्स। एंड इस वाले बंदे को मारने के बाद मुझे कवर में निकलना था, तो मैंने सोचा चलो इसकी पेटी लूट लेते हैं क्योंकि मेरे पास लूट भी नहीं थी। एंड इसकी पेटी से मुझे काफ़ी अच्छी खासी लूट मिल जाती है। एंड इस वाले बंदे की पेटी लूट के इधर से निकलते हैं कवर में। अब बंदे की पेटी लूटने के बाद मैं निकल तो जाता हूँ, जोन काफ़ी छोटा था, बंदे काफ़ी ज़्यादा थे, 6 किल अपने हो गए थे, तो यहाँ पर मुझे डिसाइड करना था मैं कहाँ पर होल्ड करूँ। तो सामने की तरफ मुझे एक वॉच टावर दिख रहा था, साथ ही साथ 2 घर दिख रहे थे, तो मैंने सोचा घरों पे होल्ड करते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर कोई पुश भी करेगा तो आराम से मैं संभाल लूंगा। एंड TCS करके आपको एक बंदा दिख रहा होगा किल फीड पे बार बार बंदों को मार रहा है, ये हैकर है, इस वाले हैकर के हाथों ही मैं मरने वाला हूँ, होता क्या सीन है वो देखना आप। अब यहाँ पर मैं आराम से होल्ड कर रहा था तभी मुझे हल्का सा साउंड आता है, कोई तो गाड़ी आ रही है, मैं देखने की कोशिश करता हूँ बट गाड़ी वाला मुझे दिखता नहीं है। जब मुझे अच्छे से साउंड आ जाता है कि वो मेरी तरफ ही आ रहा है, मुझे दिख भी जाता है, तो मैं बाहर निकलता हूँ। एंड आराम से इस वाले बंदे को हम मार देते हैं। इस वाले बंदे को मारने के बाद मैं दोबारा से कवर में आके होल्ड करता हूं यहीं पर। अब यहां पर मैं आराम से होल्ड कर रहा था तभी मुझे साउंड आता है कि कोई तो गाड़ी मेरी तरफ ही आ रही है, मुझे लगता है कि शायद ये सीधा पुश करेगा, तो मैं भाग के जाता हूं आगे, बट ये आगे की तरफ निकल जाता है, मुझे लगता है कि ये घूम के आएगा वापस बट ये आता नहीं है, तो यहां पर मैं समझ जाता हूं कि ये वॉच टावर पे जाके रुका है। तो सबसे पहले मैं देखने की कोशिश करता हूं, मुझे जब बंदा नहीं दिखता है तो मैं रिस्क लेता हूं, सीधा पुश करने की सोचता हूं। पहले मैं सामने वाले घर पे जाता हूं जिस घर में मैं होल्ड पहले करना चाहता था बट मैं सामने चला गया था। अब यहां पर आने के बाद पहले मैं चारों तरफ देख लेता हूं, कंफर्म हो जाता हूं, तभी मुझे एक लैम्बोर्गिनी दिखती है, मैं समझ जाता हूं बंदा उसी घर में है। तो यहां पर मैं एक नेड पिन करता हूं, नेड पिन करने के बाद सीधा मारता हूं। एंड भाई पहले मुझे लगता है कि नेड मेरा गलत गया बट जैसे ही नेड फटता है भाई साहब बंदे की चटनी बन जाती है, बंदे को मारता हूं, 8 किल अपने हो गए थे, 8 ही बंदे बचे थे, और बार बार मुझे TCS करके, पता नहीं TCM करके बंदे की किल फीड दिख रही थी, तो मैं समझ गया था एक तो हैकर है इस वाले मैच में जिससे अपने को बच के रहना है। अब मुझे तभी साउंड आता है कि कोई तो आ रहा है, जैसे मैं स्कोप इन करता हूं मुझे कोई भी नहीं दिखता बट मुझे साउंड आता है कि उधर से गाड़ी निकली है। तो यहां पर मैं सबसे पहले अपनी गाड़ी उठाता हूं, स्मोक करके गाड़ी उठा के सीधा चलते हैं जोन में। अब जैसे ही मैं वॉच टावर के पास आता हूं मैं देखता हूं कि वॉच टावर भी जोन में है, तो यहीं पर होल्ड करने की सोचता हूं। यहां पर आप देखोगे बार बार आपको किल फीड दिखेगी अब TCS करके बंदे की। अब मैं स्मोक वगैरह करके ऊपर चला जाता हूं, वॉच टावर के ऊपर होल्ड करते हैं थोड़ी देर। अब वॉच टावर के अंदर मैं होल्ड कर ही रहा था तभी मुझे साउंड आता है, कोई तो आ रहा है, मैं देखता हूं, मुझे बंदा नहीं दिखता, मैं कूदता हूं, मुझे साउंड आ गया था बट मुझे बंदा दिख नहीं रहा था। अब इस वाले बंदे को मैं आराम से नेड से मार सकता था बट तभी मैं देखता हूँ ये बंदा कूद रहा था, एंड इसकी HP बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि ये जोन के बाहर से आ रहा था, अगर मैं इसे एक गोली भी मार देता ना तो ये बंदा मर जाता, बट अचानक से मैंने देख लिया कूदते हुए तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इस वाले बंदे को छोड़ने के बाद तभी मैं देखता हूँ साइबर करके बंदे ने किसी ने अभी मिनी से किसी को मारा, तो मैं पीछे जाता हूँ कवर में, एंड यहाँ पर मैं वेट करता हूँ जोन बनने का। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने सोचा पीछे वाले बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, अगर वो दिखे तो नेड करने की कोशिश करता हूँ, तभी TCS करके बंदे ने फिर से मारा किसी को, एंड मुझे सामने की तरफ बंदा दिख भी चुका था जो कि TCS वाला था, और ये आखिरी बंदा बचा था, एक तो अपना सब्सक्राइबर था। अब इस वाले बंदे को मैं मारने की कोशिश करता बट आप देखो यहाँ पर मेरे पे गोलियां आ रही हैं, पता नहीं कहाँ से उसको मैं दिख रहा था नीचे बट वो मेरे पे फायर करता है बट मार नहीं पाता, मुझे पता था वो पत्थर पे है, तो यहाँ पर मैं नेड करने की कोशिश करता हूँ, मैं परफेक्ट नेड करता हूँ सारे बट वो बच जाता है। एंड ये बंदा हैकर था, ठीक है, इसकी KD देख के आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता था ये हैकर था इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग खराब अपना करता नहीं हूँ, मैं सीधा पुश करने की सोचता हूँ, पहले मैं दूर की फाइट लेने की कोशिश करता हूँ बट वो फट्टू हैकर था, तो इस वजह से मुझे पता चल गया था मुझे ही पुश करना पड़ेगा, होता क्या सीन है वो आपको मैं दिखाता हूँ। मुझे तो हैकर लग रहा था, आपको हैकर लगता है या नहीं लगता मुझे कमेंट करके बताना। देखो गोलियाँ किधर से मार रहा है, मुझे पहले लगा पीछे से मारा सब्सक्राइबर ने बट फिर मैंने सोचा यार ये क्यों मारेगा मुझे, तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर होल्ड करते हैं फिर उस वाले बंदे को मारने की कोशिश करेंगे सामने वाले को। अब पीछे से जोन आ गया था तो मुझे निकलना था आगे की तरफ, तभी मैं आगे आता हूँ, पेड़ के पास जाते ही मुझे पता चलता है पेड़ कवर में है। अब जोन मेरे ऊपर ही था हल्का फुल्का, हैकर को आना था जोन में बट यहाँ पर मुझे चूल मचती है घुस के मारने की, और मुझे ये तो पता था वो हैकर है बट मैंने सोचा ना ट्राई कर लेते हैं, डर के क्यों खेलना ना, मैं पहले प्री फायर देता हूँ, प्री फायर देने के बाद सीधा मैं शॉटगन पकड़ के घुस जाता हूँ। अब इस वाले बंदे ने मुझे तो मार दिया बट यहाँ पर चांस काफ़ी कम थे जीतने के क्योंकि वो हैकर, उसको लोकेशन का भी पता है, सब कुछ पता है उसे। अब यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ इसकी प्रोफाइल खोलता हूँ, 14 किल इसने कर रखे थे, 8 की इसकी KD थी, 100 में से 40 चिकन डिनर कर रखे थे इसने,
तो साफ पता चल रहा है ये हैकर है, पॉसिबल ही नहीं है 100 में से 40 चिकन डिनर करना अभी के टाइम में, क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा हैकर आते हैं मैच में, तो हैकरों के बीच में चिकन डिनर करना बहुत मुश्किल है। बट ठीक है, अब आप बताओ ये हैकर है या नहीं। मेरे हिसाब से तो ये हैकर लग रहा है मुझे, बाकी आप अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो, मुझे तो ये हैकर लगा। इस वाले मैच में इतना ही, काफ़ी अच्छा मैच गया, काफ़ी अच्छा प्लस भी हुआ। बाकी आपको इस वाली वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।